हेलो दोस्तों, वेलकम टू कहानी सुनो। कहानी सुनो में खुश आमदीद। मैं हूँ शावेज मलिक। दुनिया के अजीम अफसाना निगारों के अफसानों का सिलसिला जारी है और आज का अफसाना है शक का फ़ायदा बाय मिखाइल ज़ोशनकोफ। तो चलते हैं अपने अफसाने की तरफ। पहली गा एक अनपढ़ औरत थी, वो अपने दस्तखत भी नहीं कर सकती थी। उसके बरक्स उसका शोर एक काबिल कारीगर था। वो पढ़ा लिखा था और इस बात पर कुड़ता था कि उसकी बीवी जाहिल मुतलिक है। एक रोज़ मौका पाकर उसने पहलीगा से कहा, कम से कम इतना इल्म तो हासिल कर लो कि अपना नाम लिख सको। तुम्हारा नाम भी बड़ा आसान है, मगर इससे क्या फ़ायदा होगा। फिर अपने शोर के जवाब का इंतज़ार किए बगैर बोली, मेरी उंगलियाँ भी सही तरह नहीं मुड़ती हैं, मैं कैसे लिख सकूँगी। बेहतर यह है कि अपने बच्चों को इल्म हासिल करने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। पहलीगा का शोर यह सुनकर खामोश हो गया। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि उससे मगजमारी करता, लेकिन एक रोज़ वो उसके लिए किताब ले आया। ये रूसी जबान सीखने की इब्तदाई किताब थी और जदीद तरीन तरीक़ों से तरतीब दी गई थी ताकि पढ़ने वाला आसानी से जबान सीख ले। पहलीगा ने किताब उलट पुलट करके देखी और उसे एक तरफ रख दिया, ये सोच कर कि यह किताब उसके बच्चों के काम आएगी। इसके फौरन बाद वो अपने शोर का कोट लेकर रफू करने बैठ गई। उसे महसूस हुआ कि अंदर की जेब में कोई करारी सी चीज़ है। वो समझी शायद रुबेल होंगे, लेकिन जब उसने अंदर हाथ डाला तो देखा कि एक खत पड़ा हुआ है। उसने खत जेब से निकाला। ख़त खुशबू में बसा हुआ था और अल्फाज बड़ी खूबसूरती से लिखे गए थे। पहलीगा का दिल टूट गया। अच्छा, अब मैं समझी, ये मुझ में तो दिलचस्पी लेते ही नहीं और दूसरी जगह इश्क लड़ाते हैं। मुझे इन्होंने बेवकूफ़ समझा है। ठीक ही तो है, मैं जाहिल जो हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ूँगी तो कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, उसने दिल में सोचा। अब वो जाहिल नहीं रहना चाहती थी। शोर की जेब से निकले हुए खत ने उसके जहन में एक इनकलाब पैदा कर दिया था। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। इल्म के हसूल की खातिर उसने दिन रात एक कर दिया। एक महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा और तीसरा महीना गुजरा। अब वो इस काबिल हो गई थी कि हर लिखी हुई चीज़ पढ़ ले। एक दिन जब उसका शोर अपने काम पर चला गया तो वो संदूक से तीन महीने पहले का वो ख़त उठा लाई जो इसके शोर की जेब से बरामद हुआ था। उसका दिल खुशी से बिलियों उछल रहा था। अब वो इस काबिल हो गई कि ख़त पढ़ सके। उसने सोचा ख़त पढ़ने के बाद वो अपने शोर की खूब खबर लेगी। ख़त में लिखा था, प्यारे निकोलाविच, हसबे वायदा किताब रवाना कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 माह में तुम्हारी प्यारी प्यारी बीवी पहलीगा जहालत के खोल से बाहर आ जाएगी। कामरेड, उसे समझाओ कि हमारी सोसाइटी में अनपढ़ रहना कितनी बुरी बात है, उसे ये किताब पढ़ाओ ताकि वो एक पढ़ी लिखी औरत कहलाए। तुम जानते हो हम जहालत के खात्मे की तहरीक लेकर उठे हैं और इसमें रोज़ बरोज़ हमें कामयाबी हासिल हो रही है। हमें चाहिए कि हम अपने घर में रहने वाले जाहिलों को भी इल्म के जेवर से आरास्ता करें। तुम पहलीगा को पढ़ाओ नेक तमन्नाओं के साथ, मारिया बलोखीना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब माय चैनल।